अक्सर एक्सेल में ऐसा होता है कि हमारी कैलकुलेशंस का रिजल्ट माइनस नंबर्स में रिजल्ट करता है, जैसे कि ये और ये। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे कि ये माइनस नंबर्स अपने आप रेगुलर नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए, जैसे यहाँ पे हो गए? तो आंसर है हाँ। क्यों चाहिए? क्योंकि कई बार कैलकुलेशंस में आपको माइनस नंबर्स की वजह से गलत रिजल्ट मिल सकता है। तो आज वही हम सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे और आप हमारे सारे नए वीडियोस देख पाएं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, 20, 40 और माइनस 10। इसकी अगर मैंने एवरेज निकाली है तो आ रही है 17, और सम करा तो आ रहा है 50, क्योंकि 20 और 40 60 होता है, माइनस 10 तो 50 हो गया। यही चीज़ अगर मैंने ये माइनस सिंबल हटा के करी तो ये रिजल्ट एकदम बदल गया, एवरेज हो गया आपका 23 और सम हो गया आपका 70। अब कई बार जैसे मैंने कहा कि ये आपको नंबर्स माइनस में नहीं अपने नेचुरल फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि ऐसा कर सकता है, लेकिन आपको चाहिए ही क्यों होगा, पहले तो ये भी समझना ज़रूरी है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने निकाला है कॉस्ट 100 है, सेलिंग प्राइस 80 है, डिफरेंस माइनस 20% है, सही बात है। लेकिन अगर आप इस डिफरेंस को किसी फॉर्मूलाज में डालने जाएंगे कई बार, तो ये आपको माइनस फिगर जो है उसकी वजह से पूरा आपका आंसर ही बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है कि ये माइनस यहाँ से हट जाए। फॉर्मूले से कैसे हटेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये रिजल्ट कैसे आएगा, माइनस 20 सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट। तो ये माइनस 20% आ गया, राइट है कि भाई 20 रुपये का नुकसान हुआ। अब यही चीज़ मेरे को फॉर्मूले से चाहिए, तो आएगा ए बी एस, ब्रैकेट ओपन, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो आपका ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे चूंकि एबीएस फॉर्मूला लगाया, जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर विदाउट एनी साइन, यानी कि बिना किसी साइन के, जैसे कि प्लस या माइनस, परसेंटेज तो एक फॉर्मेट हो गया है, राइट? माइनस प्लस फॉर्मेट नहीं है, वो साइन है, परसेंटेज फॉर्मेट है। तो बिना किसी साइन के उस वैल्यू को दिखा देना। तो ये देखिए फॉर्मूले से हो गया ये 20, ना कि माइनस 20। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो बताता हूँ। इसको मैंने डिलीट करा, यहाँ पे लिखा मैंने ABS, ब्रैकेट ओपन, और अब मैं सेल्स को सेलेक्ट करने की बजाय डायरेक्टली नंबर टाइप कर रहा हूँ, 80 माइनस 100 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 100। 80 सेलिंग प्राइस था, उसमें से हमने कॉस्ट प्राइस माइनस करी तो माइनस 20 आना चाहिए, उसको डिवाइड करा हमने कॉस्ट प्राइस से तो हमारे पास माइनस 20% आना चाहिए, जो कि लॉस है, क्योंकि हमने ABS यूज़ करा है, तो हमारे पास आएगा 20%। ये देखिए है ना बेहतरीन। वेल, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।